যুদ্ধর কথা আমরা শুনেছি একটু আগে, যুদ্ধ ছাড়া হবে না, আমরা অনেকে বিশ্বাস করি, ফাইট মানে কি সেটা নিয়েও চর্চা হয়েছে। অনেক যুদ্ধের যোদ্ধা, নির্ভীক সৈনিক, ভারতবর্ষে দুর্নীতির কথা যখনই ওঠে যার নাম তার সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে, এবং দুর্নীতির জম সেই প্রশান্ত ভূষণজি আজকে আমাদের মধ্যে আছেন। এইবার আমি প্রশান্তজিকে আহ্বান করব আমাদের কাছে তার বক্তব্য রাখতে। প্রশান্তজি, আপকা স্বাগত হ্যায়, আপ হমে আপকি লড়াই সে অনুপ্রেরিত কিজিয়ে, হমে কুছ আগে করনে কা সাহস দিজিয়ে। দোস্তো, করিব 65 সাল হো গয়ে, 66 সাল হো গয়ে, জব হামারা দেশ এক লোকতান্ত্রিক देश घोषित हुआ था, हमने एक संविधान बनाया था, उसमें लिखा था, लिखा है कि हमारे देश में लोकतंत्र होगा, हम अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे, वोट डालकर चुनेंगे, और फिर वो प्रतिनिधि तय करेंगे कि इस देश में क्या नीतियां बननी हैं, क्या कानून बनने हैं। लेकिन अगर आज हम ये सवाल पूछें कि क्या हम वोट दे सकते हैं, उसका ईमानदार जवाब है हाँ, वोट दे सकते हैं। ज़्यादातर लोग बगैर दबाव के वोट दे पाते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुन पाते हैं। लेकिन हम दूसरा सवाल पूछें कि क्या अधिकतर लोग इस देश के अपने प्रतिनिधियों से खुश हैं, अपनी सरकारों, अपनी चुनी हुई सरकारों से खुश हैं, क्या लोग ये मानते हैं कि उनकी सरकारें उनके लिए, जनता के लिए काम कर रही हैं, क्या लोग ये मानते हैं कि सरकारें ईमानदारी से काम कर रही हैं, तो इसका ईमानदार जवाब होगा कि नहीं। 90% से ज़्यादा लोग ये मानते हैं इस देश में कि उन्हीं की चुनी हुई सरकारें उनके लिए, जनता के लिए नहीं काम कर रही, उन्हीं की चुनी हुई सरकारें खूब भ्रष्ट हैं, अपने लिए पैसा बना रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं। तो ये कैसी विडंबना है, हमने कैसा लोकतंत्र बनाया जिसमें हमको वोट देने की स्वतंत्रता है, अपना प्रतिनिधि चुनने की स्वतंत्रता है, लेकिन फिर भी हम लोग ऐसे प्रतिनिधि और ऐसी सरकारें चुन रहे हैं जिससे आज हम, जिस पर हमको ज़रा भी विश्वास नहीं है। इसका एक कारण, जो बहुत बड़ा कारण है, वो ये है कि हमने एक प्रतिनिधित्व लोकतंत्र बनाया है, और उस प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में दो स्टेज पर, जिसको कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट है। फर्स्ट पास द पोस्ट का मतलब ये होता है कि जब हम वोट डालते हैं, यानी कि मान लीजिए यहाँ कोई कंस्टिट्यूएंसी है, उसमें हमने वोट डाली अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए, तो जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलती हैं वो तो चुना हुआ घोषित हो जाता है, चाहे उसको सिर्फ 25% वोट मिले। यानी कि जिन कैंडिडेट्स को 75% वोट मिली हैं उनकी वोट ज़ीरो हो जाती हैं, सिर्फ वो 25% वोट जिसको मिली, जिन्होंने उसको वोट दी, उसी की वोट काउंट होती हैं। दूसरा फर्स्ट पास द पोस्ट होता है जब सरकार बनती है। सरकार जब बनती है तो जिसके पास मेजॉरिटी होती है, जिस पार्टी के पास या जिस गठबंधन के पास, उसकी सरकार बनती है, चाहे बाकी जो 49% जो वहां पे प्रतिनिधि हैं वो जीरो हो जाते हैं, यानी कि सिर्फ जो जिनकी मेजॉरिटी है वही सरकार चलाते हैं।
तो जब हम वोट देने जाते हैं तो हम ये नहीं देखते कि भाई कौन सा सबसे अच्छा कैंडिडेट है या कौन सी सबसे अच्छी पार्टी है उसको वोट दें। हम ये भी देखते हैं कि अगर हम इसको वोट देंगे तो क्या कोई चांस है कि ये आदमी इलेक्ट हो जाए, अगर हम इसको वोट देंगे तो क्या कोई चांस है कि इस ये आदमी सरकार में आ जाए या इसकी पार्टी की सरकार बन जाए। अगर हमें ये लगता है ये सबसे अच्छा कैंडिडेट है और सबसे अच्छी पार्टी है लेकिन इसका तो कोई चांस दिख नहीं रहा कि ये लोग सरकार बना सकते हैं या ये लोग इलेक्ट हो सकते हैं, तो हम उसको वोट नहीं देते। हम फिर ये ढूंढते हैं कि जो पार्टियां या जो कैंडिडेट हमको दिख रहे हैं जिनका हमको लग रहा है कि भाई कुछ चांस है कि ये इलेक्ट हो जाएं, उनमें से जो हमको सबसे कम खराब लगता है उसको हम वोट देते हैं। और ये कैसे दिखता है कि किसका चांस है किसका चांस नहीं है जीतने का? आम तौर पर हम इसको इस आधार पर देखते हैं कि इस पार्टी का और इस कैंडिडेट का कितना प्रचार है, कितना दिखाई दे रहा है, अलग अलग इश्तेहार, इसके बोर्ड वगैरह कहाँ कितने दिखाई दे रहे हैं, उस आधार पर हम ये भापते हैं कि भाई इसका कोई चांस है कि नहीं जीतने का। और इस वजह से सिर्फ वही पार्टियां दिखाई देती हैं, वही कैंडिडेट्स दिखाई देते हैं कि भाई इनका कुछ चांस है जीतने का, जो बहुत जिनका बहुत प्रचार हुआ होता है। और प्रचार आमतौर पर पैसे के आधार पर होता है, तो जिन पार्टियों के पास जिन कैंडिडेट्स के पास बहुत पैसा है वही दिखाई देते हैं। तो घूम फिर कर हम उन्हीं में से देखते हैं कि इनमें से कौन सा हमको सबसे कम खराब लगता है और उनमें से किसी को हम वोट देते हैं। इसलिए मजबूर होकर इस प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में जिसमें फर्स्ट पास द पोस्ट दो जगह पर है, उस पर हम मजबूर होकर ऐसी सरकारें और ऐसे लोगों को अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं जिन पर हमको कोई विश्वास नहीं है या कोई खास विश्वास नहीं है। ये इस हमारे देश के लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी कमजोरी है और इस लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी विडंबना है। तो इससे एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि हमने जब लोकतंत्र बनाया तो एक प्रतिनिधित्व लोकतंत्र बनाया, पार्टिसिपेटरी लोकतंत्र नहीं बनाया, सीधा लोकतंत्र नहीं बनाया। यानी कि हम लोग सिर्फ अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, हम लोग अपनी नीतियां नहीं चुन सकते, हम लोग अपने कानून नहीं चुन सकते। जब लोकपाल का आंदोलन हुआ तो हर ओपिनियन पोल ये दिखा रही थी कि 80% लोग इस देश के जन लोकपाल जैसा कानून चाहते हैं जो हम लोगों ने बनाया था। लेकिन फिर भी जो लोग चुने हुए थे, जो सरकारें, जो सरकार थी और जो पार्टियां पार्लियामेंट में थी, उन्होंने बोला कि नहीं जी, हम पार्लियामेंट में हैं, हम आपकी बात क्यों माने, आपकी हिम्मत हो तो आप हमको चुनकर बताइए। और उन्होंने ऐसा कानून बनाया जो कि बहुत कमज़ोर था। ये दूसरी बात है कि वो कमज़ोर कानून भी आज कार्यान्वित नहीं किया गया है, आज तक कोई लोकपाल नहीं बना है। 2 साल से ज़्यादा हो गए वो कानून बने हुए, लेकिन आज तक पहले कांग्रेस ने और अब मोदी जी ने, पिछले 1.5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, सरकार को 2.25 साल करीब हो गए हैं, 2.25 साल में अभी तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं करी, चाहे वो कमज़ोरी हो लेकिन उस कमज़ोर लोकपाल की भी नियुक्ति नहीं करी। जैसे उन्होंने गुजरात में 12 साल तक कोई लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं करी थी। तो एक हमको जिसकी अब बात शुरू करनी चाहिए, हम लोग बार बार इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं लेकिन हमको आज वो
बुनियादी बात करने का समय आ गया है जिसको हम डेमोक्रेसी रिफॉर्म्स कहते हैं। लोकतंत्र में हमें सुधार चाहिए, हमको इस प्रतिनिधित्व लोकतंत्र से आगे बढ़कर सीधे लोकतंत्र की तरफ बढ़ना है, जो कि आज ज्यादातर देशों में होता है। सीधा लोकतंत्र का क्या मतलब है? कि जनता खुद तय करे कि वो क्या नीतियां चाहते हैं, कैसे कानून चाहते हैं, कैसे फैसले चाहते हैं। वो कैसे तय करेंगे? ग्राम सभा जो होती है किसी भी गांव में, ग्राम सभा के सारे एडल्ट लोग मेंबर होते हैं और उनकी सभा होती है और उस सभा में वो लोग बैठकर मिलकर तय करते हैं कि उनको क्या चाहिए, क्या व्यवस्था चाहिए। खुद सीधा सीधा वोट करके तय करते हैं, बातचीत करके, वोट करके। अब ग्राम सभा बड़े उस पर नहीं हो सकती, बड़े स्केल पर नहीं हो सकती, यानी कि अगर आप ब्लॉक में जाएं या किसी डिस्ट्रिक्ट में जाएं या फिर राज्य में जाएं या पूरे देश में, कोई देश का मुद्दा हो तो आप पूरे देश की सभा नहीं कर सकते। लेकिन उसका एक तरीका दुनिया में ढूंढा गया है जिसको इनिशिएटिव्स एंड रेफरेंडम कहते हैं, यानी कि अगर 1-2% लोग लिखकर ये दे दें कि भाई हमको ये कानून चाहिए, हमको जन लोकपाल जैसा कानून चाहिए, तो उस पर रेफरेंडम कराया जाता है पूरे देश में। रेफरेंडम को हिंदी में क्या कहते हैं? जनमत संग्रह। जनमत संग्रह होता है और उसमें लोग वोट देकर ये तय कर सकते हैं कि उनको वो कानून चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर अधिकतर लोग ये वोट देकर तय करें कि उनको जन लोकपाल जैसा कानून चाहिए, तो जन लोकपाल का कानून उस देश में बन जाता है, उस राज्य में बन जाता है जहां पर वो जनमत संग्रह कराया गया। ये दुनिया के अधिकतर देशों में ऐसा प्रावधान किया गया है जहां पर लोकतंत्र है। हिंदुस्तान उन बहुत कम देशों में ऐसा देश है जहां पर जनमत संग्रह का कोई प्रावधान नहीं है। तो हमको आज अपने लोकतंत्र को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और इसको, इस डिमांड को रेज करने की ज़रूरत है कि हमको सीधा लोकतंत्र चाहिए, इसका प्रावधान चाहिए जिसको इनिशिएटिव एंड रेफरेंडम कहते हैं, जनमत संग्रह का। दूसरी बात, तो ये तो एक बुनियादी रिफॉर्म जो हमको अपने लोकतंत्र में करना है, उसमें भी कुछ थोड़े से हम लोगों को चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो उसमें जनमत संग्रह में एक खतरा ये होता है कि मेजॉरिटी जो है, जो जिनका बहुमत है, वो कई बार अल्पसंख्यकों के जो हक हैं उनको कुचलने का ऐसा जनमत संग्रह कर सकते हैं। तो इसलिए उसमें हमको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है कि ऐसा जनमत संग्रह नहीं कराया जा सकता ऐसे मुद्दे पर जो कि हमारे देश के जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके राइट्स को कुचलता हो। तो इसलिए उसके लिए आपको एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी पड़ती है जो ये देखेगी कि भाई ये जनमत संग्रह हमारे संविधान के तहत ठीक है कि नहीं है, हमारे संविधान में चल सकता है कि नहीं चल सकता। वो अगर तय हो जाए तो फिर उस पर जनमत संग्रह हो जाता है। दूसरी बात, हम लोगों ने सिस्टम जो बनाया है कि जिसकी मेजॉरिटी हो उसी की सरकार बनेगी। अब कई देश ऐसे हैं जैसे कि स्विट्जरलैंड में नेशनल गवर्नमेंट बनती है, यानी कि अगर किसी पार्टी के 20% प्रतिनिधि हैं पार्लियामेंट में तो 20% हिस्सा सरकार में उस पार्टी का होता है, चाहे वो पार्टी बहुमत में ना हो। यानी कि जिस पार्टी का जितना परसेंट रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में है उतना परसेंट प्रतिनिधित्व उसका सरकार में भी होता है। नेशनल गवर्नमेंट का एक सिस्टम है, उसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा। अब आते हैं इस पर चुनावी सुधार। देखिए, चुनाव से हम भाग नहीं सकते क्योंकि प्रतिनिधि हमको फिर भी इलेक्ट करने पड़ेंगे। हर काम जनता खुद नहीं तय कर सकती, हर फैसला जनता खुद नहीं ले सकती,
इसलिए बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं जो प्रतिनिधि को ही लेने पड़ेंगे। तो प्रतिनिधि का चुनाव तो हमको करवाना पड़ेगा, अब उसमें क्या सुधार की जरूरत। सबसे पहले तो हमको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हिंदी अनुपाती चुनाव प्रणाली, यानी कि देखिए आज तो फर्स्ट पास द पोस्ट है ना, जैसे मैंने बताया कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिली वो ही बस प्रतिनिधि बन गया। अब इसमें हो ये रहा है कि जैसे भाजपा को पिछले चुनाव में 30% वोट मिले हिंदुस्तान में, लेकिन उनकी सरकार बनी हुई है, यानी 30% लोगों ने जिस पार्टी का समर्थन किया वो आज पूरे देश के ऊपर राज कर रहे हैं। इसका जो समाधान निकाला गया है दुनिया भर में वो ये है कि जब आप वोट देते हैं, हर पार्टी जो है अपनी एक लिस्ट जारी करती है कि भाई हमारे ये कैंडिडेट्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। जैसे 540 सीट हैं तो उन्होंने 540 लोगों की लिस्ट दे दी हर पार्टी ने। हम जब वोट देते हैं तो हम एक वोट पार्टी को डालते हैं और दूसरा वोट उस पार्टी में जो हमारा सबसे प्रेफर्ड कैंडिडेट है उसको भी डाल देते हैं। हर एक जने ने उस तरह से वोट डाल दी कि अपनी जो सबसे चहेती पार्टी है उसको वोट डाली और उसमें उस पार्टी में जो सबसे चहेता कैंडिडेट है उसको भी एक वोट डाली। अब जब जनगणना होती है वोट की तो पहले ये देखा जाता है कि किस पार्टी के कितने प्रतिशत वोट आए, यानी कि कोई छोटी पार्टी है जिसके सिर्फ 5% वोट आए तो 5% सांसद उस पार्टी के होंगे, यानी 540 अगर संसद में हैं तो 25 और 2 27 सांसद उस पार्टी के होंगे। अब कौन से 27 होंगे? एक तरीका ये होता है कि पहले 27 उस पार्टी ने जो लिस्ट बनाई है उसमें पहले 27 को आप कर लीजिए, लेकिन उससे बेहतर तरीका ये है कि क्योंकि हर एक आदमी ने दूसरी वोट अपने चहेते कैंडिडेट को भी दी है तो आप ये देखिए कि उनके सारे कैंडिडेट्स में ऊपर सबसे ज़्यादा वोट किसको मिली, सेकंड नंबर पर किसको मिली, तीसरे नंबर पर किसको मिली और पहले 27 जिनको सबसे ज़्यादा मिली हो उनको आप बोलें कि ये लोग इलेक्ट हो गए उस पार्टी के। इससे कई फायदे होंगे। देखिए पहला फायदा ये होगा कि आज जो लोग डर के अपनी चहेती पार्टी को और कैंडिडेट को वोट नहीं देते, ये डर के कि भाई इसको वोट देंगे तो हमारी वोट खराब हो जाएगी क्योंकि इसके जीतने का कोई चांस नहीं है, आगे चलकर लोग बिल्कुल उसी को वोट देंगे, उसी पार्टी को वोट देंगे जो उनकी चहेती पार्टी है और उसी कैंडिडेट को वोट देंगे जो उनका चहेता कैंडिडेट है। फिर ये डर नहीं रहेगा कि भाई अगर हम इसको वोट देंगे तो हमारी वोट तो बर्बाद हो जाएगी क्योंकि कॉन्टेस्ट तो सिर्फ इन दो बड़ी बड़ी पार्टियों में है, क्योंकि 5% 2% भी आपकी वोट आती है तो 10-11 सांसद तो होंगे उसके, तो इसलिए एक बहुत बड़ा फायदा ये होगा। दूसरा फायदा ये होगा कि ऐसा नहीं होगा कि एक पार्टी के 25% वोट पड़े लेकिन सरकार पूरी उसी की बन गई। फिर ये होगा कि सरकार डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, हमको सरकार बनाने की प्रणाली बदलनी पड़ेगी। जो आज जो चल रहा है ये ठीक है कि किसी पार्टी की मेजॉरिटी नहीं आया करेगी, जैसे आज भाजपा की मेजॉरिटी आ गई है कोई पार्टी की मेजॉरिटी नहीं आएगी इस देश में, लेकिन हमको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि भाई नेशनल गवर्नमेंट ऐसे बन सकती है, लोगों को मिलजुल कर सरकार बनानी पड़ेगी, चलानी पड़ेगी और फैसले उस तरह से लेने पड़ेंगे सरकार के कि जिसमें आप सबको लेकर फैसले लें, कंसेंसस से लें या वहाँ की मेजॉरिटी से लें। जो आज चल रहा है जिस तरह से ये सब नहीं चलेगा।
तो एक तो ये रिफॉर्म हुआ, दूसरा राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल की काफी बात हो चुकी है, आप लोग सुन चुके हैं। आज एक बार हम किसी को चुन लेते हैं तो उसके बाद उसको हम हटा नहीं सकते, तो उसकी बस ये धौंस हो जाती है कि भाई हमको तो चुन लिया गया है, हम जो चाहे करें। अगर राइट टू रिकॉल हो, यानी कि अगर हम उसको रिकॉल कर सकें, उसमें भी इनिशिएटिव एंड रेफरेंडम कराना पड़ेगा। यानी कि अगर उस कंस्टिट्यूएंसी के 5% लोग लिख कर दें कि भाई हम इसको रिकॉल करना चाहते हैं, तब उस पर रेफरेंडम होगा। अगर अधिकतर लोग ये वोट बोलें कि वोट दें कि रिकॉल कर लिया जाए, तब उसका रिकॉल होगा। लेकिन उसमें एक चीज़ का हमको ध्यान रखना पड़ेगा, एक सावधानी हमको सोचनी पड़ेगी। देखिए आज तो ये हालत है कि 30% वोट से ही, 25% वोट से ही आदमी इलेक्ट हो जाता है, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा वोट मिलती है। इसके मतलब मेजॉरिटी ने तो उसको वोट नहीं दी है। अगर हम इस तरह से रिकॉल करने लगेंगे तो ज़्यादातर लोग रिकॉल होने लगेंगे। तो हमको साथ साथ ये भी करना पड़ेगा कि जब किसी का रिकॉल होता है तो उसी के साथ कोई अल्टरनेटिव कैंडिडेट को साथ में इलेक्ट कराना पड़ेगा। और अगर अधिकतर लोग रिकॉल भी करें और दूसरे कैंडिडेट को इलेक्ट करें, तभी रिकॉल हो पाएगा, तभी ये प्रैक्टिकली ये सिस्टम चल पाएगा। तीसरा, जो चुनाव में खर्चे की बात करेंगे, देखिए अब खर्चे की कई पहलू हैं। पहला तो ये है कि जो ईमानदार पार्टियां और ईमानदार कैंडिडेट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टियां और ईमानदार कैंडिडेट्स, उनके पास पैसा नहीं होता, क्योंकि उनके पास भ्रष्ट पैसा नहीं है चुनाव में लगाने का। उनका जन समर्थन भले ही काफ़ी हो, लेकिन उनके पास चुनाव में पैसा खर्च करने के लिए नहीं होता। इसका एक तरीका जो पूरे विश्व में सोचा गया है, कई जगह कार्यान्वित भी किया गया है, उसको कहते हैं स्टेट फंडिंग। यानी कि जितनी वोट आपको मिलती हैं उसके हिसाब से 20 रुपये, 50 रुपये, जो भी आप तय कर लें, पर वोट आपको दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट की तरफ से। आपको अगर 1 लाख वोट मिलती हैं तो 20 रुपये के हिसाब से 20 लाख रुपये आपको बाद में सरकार की तरफ से दिए जाएंगे जितनी वोट मिलती हैं। इससे ये बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि जो छोटे छोटे, जो बग़ैर पैसे वाले कैंडिडेट्स हैं, लेकिन जिनका कुछ जन आधार है, वो लोग पहले किसी से लोन लेके, कर्जा लेकर इलेक्शन लड़ सकते हैं, और उसके बाद फिर जब उनको वोट मिले और पैसे मिले तो लोगों को पैसा वापस कर सकते हैं। तो एक तरह से थोड़ी सी फील्ड, जो प्लेइंग फील्ड है, वो थोड़ा सा लेवल होगा। दूसरी बात ये है कि जिनके पास अवैध पैसा है, उनके पास तो बेनतहा पैसा है। अभी अरुण जी ने बताया कि सैकड़ों करोड़ खर्च होता है एक एक चुनाव में, उसको तो कोई मैच कर नहीं सकता। उसका लिमिट लगी हुई है 70 लाख लोकसभा के चुनाव में, और 20 लाख या कितना विधानसभा के चुनाव में, या 14 लाख या 15 लाख या 20 लाख जो भी है, लेकिन उसको एनफोर्स नहीं किया जाता। अब एनफोर्स कैसे नहीं होता? पहली बात तो जो पार्टी प्रचार में खर्च करती है उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं लगाई गई है, वो कैंडिडेट के खर्चे में भी नहीं ऐड होता और कोई लिमिट भी नहीं है। तो पार्टी के खर्चे पर भी पाबंद और लिमिट होनी चाहिए, पार्टी इससे ज़्यादा प्रचार में नहीं खर्च कर सकती। दूसरी बात, आज डोनेशन कोई भी कंपनी कितना भी दे सकती है किसी भी पार्टी को, किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी पार्टी को। और हम लोगों ने देखा कि ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इनको बड़ी बड़ी कंपनियां खूब सारा डोनेशन देती हैं। विदेशी कंपनियां भी डोनेशन देती हैं, हिंदुस्तान की कंपनियां भी, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं, एक तरफ वो सरकार से कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं, इन पार्टियों, ये पार्टियां जब सरकार में आती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट देती हैं,
और दूसरी तरफ उनसे खूब सारा पैसा ले लेती हैं। ब्राज़ील के अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया, उन्होंने बोला कि कॉरपोरेशन जो है, कोई भी कंपनी, कोई भी कॉरपोरेशन किसी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट को पैसा डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि कॉरपोरेशंस इस ब्राज़ील के लोकतंत्र को नहीं चला सकती, ये बिल्कुल गैर संवैधानिक और गैर लोकतांत्रिक होगा अगर कॉरपोरेशंस को ये हक दे दिया जाए कि वो लोकतंत्र को पैसा दे दे, पार्टियों को पैसा देकर उस देश का लोकतंत्र चलाएं। तो हमको भी कॉरपोरेशन से डोनेशंस जो दिए जाते हैं पार्टियों को और कैंडिडेट्स को, इसको बंद करना पड़ेगा। इंडिविजुअल्स डोनेशंस दे सकते हैं, उस पर भी लिमिट लगानी पड़ेगी कि एक आदमी से आप इससे ज़्यादा डोनेशन नहीं ले सकते। ये मैक्सिमम लिमिट है एक आदमी, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आप लिमिट फिक्स कर दीजिए, 10,000, 50,000, उससे ज़्यादा डोनेशन एक आदमी से आप नहीं ले सकते। दूसरी बात, आज जो अवैध पैसा, जो काला धन जो खर्च किया जाता है, जिन कैंडिडेट्स के पास बहुत पैसा है, उसके लिए हमको ये पाबंदी लगा देनी चाहिए कि सारा पैसा चुनाव में जो खर्च होगा सिर्फ बैंक के जरिए किया जाएगा, सिर्फ चेक के जरिए किया जाएगा, कोई कैश पैसा ना तो आप डोनेशन ले सकते हैं ना कैश से खर्चा कर सकते हैं। अगर आपको पकड़ा गया कि आपने कैश से कुछ भी खर्चा किया है या कुछ भी डोनेशन लिया है, तो आपको डिबार कर दिया जाएगा, कैंडिडेट इलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा। ये अगर हमने कानून बना दिया तो इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन को और पावर्स देने की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन को, पहली बात तो इलेक्शन कमीशन को स्वतंत्र बनाने की ज़रूरत है, इसकी भी बात करी गई थी। आज इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति सरकार करती है, हमको ऐसा सिस्टम बनाना है कि इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति सरकार ना करे, बल्कि एक बहुत ब्रॉड बेस्ड सिलेक्शन कमिटी करे, जिसमें कि CAG भी हो, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज भी हों, हाई कोर्ट के कुछ चीफ जस्टिस भी हों, इस तरह के जो स्वतंत्र संस्था हैं उनके लोग हों, वो लोग मिलके इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति करें। हम लोगों ने लोकपाल के लिए ऐसा नियुक्ति, एक ब्रॉड बेस सिलेक्शन कमिटी बनाई थी, उसी तरह से ब्रॉड बेस सिलेक्शन कमिटी हो सकती है जो कि इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति करे। और इलेक्शन कमीशन को और पावर देने की ज़रूरत है। आज इलेक्शन कमीशन कैंडिडेट को इस आधार पर डिबार नहीं कर सकता इलेक्शन से कि भाई उसने पैसा ज़्यादा खर्च कर दिया, उसने अवैध पैसा खर्च कर दिया, उसने कोई और करप्ट प्रैक्टिस कर दी, उसके आधार पर इलेक्शन से बाहर नहीं कर सकते। हाई कोर्ट कर सकता है, और हाई कोर्ट में भी हम देखते हैं कि चुनाव के बाद आप इलेक्शन पिटीशन फाइल करिए, सालों साल वो लंबित रहती है, उसका पूरा टर्म निकल जाता है, तब तक उसका फैसला नहीं हो पाता। इसलिए इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करने की ज़रूरत है, ये सब पावर इलेक्शन कमीशन को देने की ज़रूरत है। एक और महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया कि भाई आज वोट आपको फिजिकली जाकर उसी दिन देना होता है जिस दिन इलेक्शन होता है, और वहीं जहां आपकी कंस्टिट्यूएंसी है वहीं देना पड़ता है। बहुत सारे माइग्रेंट लेबर होते हैं जो कि बाहर काम के लिए जाते हैं, उस दिन वहां नहीं रह सकते, और आज टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है कि आप कहीं से भी वोट डाल सकते हैं। आज आपके बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन से कहीं से भी आपको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और आप कहीं पर भी हों आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी की वोट डाल सकते हैं वहीं से। इसलिए वो सब कार्यान्वित किया जाना चाहिए, इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाना चाहिए, जिससे कि सब लोग कहीं से, जहां पर भी हों, वहां से वोट दे सकें। अगर उस दिन ना भी दे सकें तो उसके अगले दिन दे सकें, उसके एक दिन आगे पीछे दे सकें। ये सब भी रिफॉर्म होने की ज़रूरत है। तो रिफॉर्म्स तो बहुत सारे, जैसे मैंने बोला कि पहले तो हमको लोकतांत्रिक सुधार करना है, अपना डेमोक्रेसी रिफॉर्म्स करने हैं, और फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये करेगा कौन, क्यों करेगा।
उसके लिए देखिए मैं ये नहीं मानता कि उसके लिए हमको सरकार में जाना होगा। बगैर सरकार में जाए हुए कोई रिफॉर्म नहीं हो सकता या हो पाएगा, ये बात मैं नहीं मानता, क्योंकि इस देश में कई रिफॉर्म्स हुए हैं जिसमें कि लोगों ने कैंपेन करके सरकार के ऊपर दबाव डालकर काफ़ी रिफॉर्म्स किए हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी ऐसे ही आया, सरकार में नहीं गए थे, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट भी ऐसे ही आया, लैंड एक्विजिशन एक्ट भी नया वाला ऐसे ही आया, और लोकपाल भी जनता के दबाव से आया। लोकपाल का कानून चाहे कमज़ोर कानून है, लेकिन जो भी है आया लोगों जनता के दबाव से आया। इसलिए अगर हम लोग संगठित होकर इसके लिए संघर्ष करते हैं, ईमानदारी से संघर्ष करते हैं, बिल्कुल सोच कर स्ट्रेटेजिक तरह से संघर्ष करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से डायलॉग बनाते हैं, पूरा सुधार का वो बनाकर जनता के सामने रखते हैं, जनता के सामने ले जाते हैं, तो उसका ज़रूर दबाव पड़ेगा और उससे बदलाव आने की पूरी उम्मीद है। जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टी बनाने की बात है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं जी, जब तक पॉलिटिकल पार्टी बनाकर हम चुनाव नहीं जीत पाते तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके बारे में मैं बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि देखिए, उसमें अगर हमने कोई जल्दीबाजी करी है, ठीक है कि हमको चुनाव से कोई परहेज़ नहीं है, हम लोग पॉलिटिकल पार्टी से कोई परहेज़ नहीं करते, हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पर एक आदर्श राजनीति हो, वैकल्पिक राजनीति हो इस देश में, लेकिन अगर हम जल्दीबाजी में बगैर अपने संगठन में वो पारदर्शिता, वो जवाबदेही और वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया जब तक स्थापित नहीं कर लेते, अगर उससे पहले हम पार्टी बनाएंगे, तो फिर उसका वही हश्र होगा जो आम आदमी पार्टी के संग हुआ, कि बिल्कुल एक गैर लोकतांत्रिक, गैर पारदर्शी, गैर जवाबदेही पार्टी आम पार्टी की तरह बनकर रह गई। तो हमको जब भी हम पार्टी बनाएं, हमको बहुत तैयारी के साथ अगर हम चुनाव में उतरते हैं तो उसके लिए बहुत आंतरिक तैयारी चाहिए, अगर हम वैकल्पिक राजनीति करना चाहते हैं, और उसके लिए बहुत ठोस तैयारी की ज़रूरत है। उस तैयारी के बाद ज़रूर उतर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, और उससे बड़ा काम ये है कि हमको कम से कम कुछ बड़े आंदोलन देश में करके दिखाने पड़ेंगे। आम आदमी पार्टी की सफलता इसलिए हुई कि उससे पहले एक बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हुआ और आम आदमी पार्टी को उसका फ़ायदा मिला। मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था, आज अगर आप आम आदमी पार्टी का चेहरा देखें तो शायद उनको नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन मिला, इस वजह से वो जीत पाए, इस वजह से उनको सफलता हासिल हुई। हमको पहले कोई बड़ा आंदोलन इस देश में करके दिखाना पड़ेगा, किसी पर भी हम आंदोलन करके दिखाएं, चाहे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हो। अगले 27-28 तारीख को दिल्ली में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार के खिलाफ कन्वेंशन हो रहा है, जिसमें कि देश भर के बड़े बड़े भ्रष्टाचार से लड़ने वाले योद्धा आ रहे हैं, जिसमें हम बैठकर ये तय करेंगे कि आज देश भ्रष्टाचार के मामले में कहाँ खड़ा है, पिछले 5 साल में क्या हुआ, आज हम कहाँ खड़े हैं, क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है, उसके लिए कैसा आंदोलन छेड़ने की ज़रूरत है, ये सब हम बैठ के तय करेंगे। तो हमको कोई बड़ा आंदोलन करके दिखाना होगा, उसके बाद हम लोग चुनावी प्रक्रिया में उतरने का सोच सकते हैं। यही सब मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। धन्यवाद।